तो जिस तरीके से गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में किस तरह के पेशेंटों की त्वचा से संबंधित किस तरह के पेशेंटों की संख्या बढ़ेगी? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कपिल कौशल चंद्रोग एंड हेयर हॉस्पिटल होडल से। तो जैसे जैसे हमारे मौसम में आजकल बदलाव हो रहे हैं, तो आजकल हमारे पास जैसे एक्ने के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे स्वेट पसीना आता है, पसीने से जो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, मतलब ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह से उनमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, वो बैक्टीरिया हमारे चेहरे पे एक्ने मतलब मुहासे बना देता है। तो आजकल मुहासे के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। आजकल क्या है कि जैसे गर्मी पड़ रही है तो इंसेक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस के काफ़ी केसेस आ रहे हैं हमारे पास। क्या होता है, ये मोस्टली इंसेक्ट बाइट रिएक्शन बच्चों में ज़्यादा रहता है, जो हमारे अर्ली एज जैसे 5 to 7 ईयर्स तक के जो बच्चे रहते हैं उनमें जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो बिना रखे रहते हैं वहाँ पे इंसेक्ट बाइट की वजह से थोड़ी उसकी रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन की वजह से काफ़ी सारे रैसेस रहते हैं। तो कई बार क्या है कि पेरेंट्स घबराए हुए होते हैं कि ये इंसेक्ट बाइट की वजह से ही हुआ है या हमारे बच्चे को कोई एलर्जी हो गई है। तो इस तरह के पेशेंट आजकल हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे और क्या है कि घमौरियों के पेशेंट्स भी थोड़े टाइम में आने स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास, उन्हें हम मिलेरिया बोलते हैं उस तरह के पेशेंट्स को। आजकल हमारे पास एथलीट्स फूट्स जैसे कि फंगल इन्फेक्शन क्या रहता है, उंगलियों के बीच में जैसे हवा नहीं लग पाती है तो उस वजह से जूते हम पहन के रखते हैं तो वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाती है, तो उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से धूप ज़्यादा बढ़ेगी ऐसे में लू भी चलेगी और मिट्टी धूल भी ज़्यादा उड़ेगी, तो ऐसे में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? और गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होगा और धूल मिट्टी ज़्यादा होगी तो उससे किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? गर्मी से क्या होगा कि जैसे कि धूल मिट्टी की वजह से हमारे स्किन पे एक एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो एलर्जी बनने लग जाएगी धूल की वजह से, उसमें रेडनेस स्किन में आने लग जाएगी, इचिंग खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए ये रहेगा कि हम अपनी बॉडी को कवर रखें, पूरी तरह से ढक के रखें, जिससे हमारी बॉडी धूल मिट्टी के ज़्यादा संपर्क में नहीं आए और हम अपने आप को बचा सकें इन सब समस्याओं से। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ग्रामीण अंचल है ये पूरा, तो ऐसे में खेतों में कटाई का समय भी आ चुका है, तो उस समय किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? एक्चुअली जैसे अब हम जैसे ग्रामीण एरिया है तो इसमें ज़्यादातर लोग खेतों में जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे, तो धूल मिट्टी और जो पौधे हैं उनसे क्या है कि उनमें जो छोटे छोटे कण रहते हैं उनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी रहती है, तो उस तरह की एलर्जी पनपने की संभावनाएं रहेंगी। तो उसके लिए क्या करना है कि अपनी पूरी बॉडी को ढक के ही बाहर निकलें, अपने सिर्फ आँखें ही हमारी दिखें और पूरी तरह से बॉडी को कवर कर लें, और कवर करने के साथ साथ जैसे पसीना आ रहा है तो ज़्यादा देर पसीने में भी ना रहें, उसको तुरंत सुखा लें, क्योंकि अगर हमें पसीना ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे हमें फिर हमें फंगस जैसे हम दाग बोलते हैं तो उस तरह की समस्याएं पैदा होने की संभावना रहेगी। तो ये कुछ एहतियात हैं जो हमें बरतनी है। जैसे हम दिन भर काम किया तो शाम के टाइम जाकर जाके पसीना सुखा के तुरंत नहा लें, और बॉडी पे शरीर पे जैसे गोला का तेल इस तरह से हम लगाएं जिससे जो एलर्जी है उससे हम बचाव कर पाएं। सर, जैसे साबुन का उपयोग कितना प्रभावी रहता है? लेकिन ज़्यादातर साबुन उसमें केमिकल्स रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें केमिकल्स वाले सो साबुन यूज नहीं करने चाहिए, और इनका जो पीएच है वो हमारी स्किन के लिए हार्श रहता है। जी तो क्योंकि इनमें एसिडिक मीडियम होता है तो उस एसिडिक मीडियम की वजह से भी कई बार हमें खुजली की समस्या पैदा हो जाती है। खान पान की अगर बात की जाए तो किस तरह का खान पान रखा जाए गर्मी के मौसम में? खान पान में ये है कि हम एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि अब गर्मी रहती है तो हमारी स्किन में पसीना ज़्यादा आता है,
पसीने से क्या है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन, तरबूज हो गया, इस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, थोड़ी सी मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम से कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और फल सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, फास्ट फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। सर, अगर किसी को त्वचा से संबंधित अगर प्रॉब्लम आती है तो आपसे किस तरीके से मुलाकात की जा सकती है? अगर किसी को त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हमारा अस्पताल है जो होडल में है, नूह रोड पे, नई तहसील से थोड़ा सा आगे, कौशल चर्म रोग और हेयर अस्पताल। तो ये यहाँ पे हम मेनली ऑफलाइन ही देखते हैं मरीजों को, ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आके मरीज हमसे मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान हमसे मिलके कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू।